सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज का व्लॉग हम करते हैं कंटिन्यू। तो अभी मैं और दिव्या सुबह सुबह आ गए फार्म पर घूमने के लिए। तो दिव्या को देखो, दिव्या की मस्ती देखो, म्याऊं म्याऊं कर रहा है ना दिव्या? सबको हाय बोलो। हाय के पर मेरे पापा टमाटर उतार कर जा रहे, कहाँ पर जा रहे पता नहीं है। देखो एक डोल उतरी हुई है ऑर्गेनिक टमाटर की, बहुत बड़े बड़े जो बाजार में से मिलते हैं वैसे वो ऐसे टमाटर है। अभी यहाँ पर दिव्या का वॉकिंग स्टार्ट हो गया है सुबह सुबह अकेला। दिव्या अभी अकेला अकेला ही फार्म घूमने लग गया है, बड़ा हो गया है इसलिए। पर भी शैलेश भाई काम करने के लिए लग गए हैं, जो आपको मैंने कल बताया था कि हम खातर कंपोस्ट कर रहे घर पे खेत पे ही। तो यहाँ पर शैलेश भाई जो खातर है छाणिया खातर उसको बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से वो छोटे छोटे कर रहे हैं। वो नज़दीक आएंगे तब उसको सब कुछ उसकी माहिती लेंगे कंपोस्ट करने की शैलेश भाई के साथ। और यहाँ पर पापा बफेलोस और काउस के लिए घास चारा कटिंग करके आ गए, वो घर पे ले जाना है घास चारा बफेलोस और काउ के लिए। अभी दिव्या बहुत फुल से दौड़ दौड़ के आ रहा है मेरे पास। स्टाइल देखो दिव्या की आने की। अभी जा रहा है अपने दादी के पास दिव्या। यहाँ पर पापा टमाटर अलग अलग कर रहे हैं दो 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 डोल में बैठकर। कितने केजी उतरे हुए हैं पापा टमाटर? 10 केजी। 10 से भी ज्यादा है। 15 केजी। यहाँ पर शैलेश भाई टाँकी में जो हमने खातर बनाया है वो हला रहे हैं शैलेश भाई सुबह सुबह आकर। शैलेश भाई एक टाँकी को आश्रय कितनी मिनट हलाना चाहिए आप? 2 मिनट। और इस टाँकी में क्या क्या डाला है आपने खातर कंपोस्ट करने के लिए? गुड़ और छास और पानी, पानी। तीन ही चीज। तो यहाँ पर हमने खातर कंपोस्ट करने के लिए 4 टांकी रेडी की हुई है, गुड़ छास और पानी की। मम्मी पापा अभी जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की कटिंग करने के लिए। और यहाँ पर दिव्या खेल रहा है। अभी पता नहीं दिव्या कहाँ पर खेलने के लिए जा रहा है। अन्या दिव्यू। अभी यहाँ पर दिव्या काम में लग गया है टाँकी हलाने के लिए, अभी अपने काके के साथ। कह रहा है कि मैं अकेला ही हलाऊंगा टांकी, किसी की जरूरत ही नहीं है दिव्या को। दिव्या का काम देखो आप लोग, क्या काम कर रहा है दिव्या फार्म पर आकर। ऐसा लग रहा है कि बड़ा होकर वो खेती ही करेगा दिव्या।
शाम के 6:30 बज चुके हैं और दिव्या और मैं भी उठ के हो गए हैं फ्रेश। तो अभी मैं और दिव्या जा रहे हैं वेंडे पे। तो वेंडे पे मम्मी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जाते मैं और दिव्या अभी वेंडे पे, है ना दिव्या? अभी फाइनली मैं और दिव्या आ गए हैं वेंडे पे। तो अभी वेंडे पे मैंने मम्मी ने मिल्किंग भी कर ली है सभी की और घास चारा भी दे दिया है यहाँ पर। तो सभी लोग अपने अपने घास चारे खा रहे हैं। देखो गाय भैंस सभी अपने अपने काम में लग गए हैं खाना खाने के। और ये आपको दिखाई देगी, ये है हमारे देसी गाय की बाछड़ी है। तो अभी उसका ही जन्म हुआ है, थोड़े दिन हुए है कि जन्म हुआ है। उसका नाम हमने भी टीलू भी रखा है, दूसरी टीलू है ये हमारी टीलू। और ये है, ये भी टीलू ही है, सभी का नाम ही टीलू रखा है हमने। और मम्मी अभी आप क्या कर रहे हो? अभी कुछ गाय भैंस बाकी है रंच का देने के, लीला घास चारा देने के लिए। तो अभी मेरी मम्मी वो दे रहे हैं घास चारा लीला। आज मेरे को थोड़ा लेट हो गया वेंडे पे आने में। तो आपको मैं लाइन में हमारे गाय भैंस दिखा देती हूँ, तो आपको दिखाई देंगे लाइन में। देखो ये टीलू है, ये हमारी बड़ी वाली टीलू है, कहाँ पर चढ़ गई है टीलू। अभी आप लोग देखो दिव्या वाछड़ी के पास दोस्ती करने के लिए चला गया है। तो दिव्या अभी भी गया वाछड़ी से, तो साइड में हो गया ये जो दिव्या अभी टीलू को जे जे करने के लिए गया है। दिव्या को डर भी नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ही डर लग रहा है दिव्या को। अभी दिव्या वाछड़ी के कान झालने के लिए जा रहा है, चला गया। देखो दिव्या किस तरह से दोस्ती कर रहा है वाछड़ी से। टीलू की मस्ती देखो आप, किस तरह से मस्ती कर रही है टीलू। अभी दिव्या के पास जा रही है टीलू। वाओ टीलू बहुत अच्छी तरह से मस्ती कर रही है। देखो ए, ए, ए। मस्त रमे यो केवी। दिव्या टीलू को देख रहा है कि किस तरह से खेल रही है टीलू। देखो किस तरह से मस्ती कर रही है मम्मी के पास। दिव्या आ गया है टीलू के लिए घास चारा लेकर। तो अभी टीलू को घास चारा खड़ा घास चारा दे रहा है दिव्या टीलू को। आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आज का वो कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।